माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ जिन्होंने हमारे युवाओं के बीच आकर के अत्यंत व्यस्त समय में भी समय दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति मात्र हम रोमांचित भी करती है और गौरवान्वित भी करती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सीधे निवेदन करता हूँ कि वे हम अपने इस उपयोगी सत्र में, समापन सत्र में अपना मार्गदर्शन दें। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, अनुपम राजन जी, महानिदेशक प्रशासनिक अकादमी श्रीवास्तव जी, सभी प्रशासनिक अकादमी के अधिकारीगण और मेरे प्यारे भांजो लाडली भांजियों, सबसे पहले मैं उच्च शिक्षा विभाग को, मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में जब नियमित क्लासेज हो नहीं सकती थी, तब भी वर्चुअली आपने ऑनलाइन उस समय का बहुत बेहतर उपयोग किया और स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत आपने प्रशिक्षण देने का काम, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, बहुत उपयोगी काम किया है। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, शिक्षा के तीन उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञान देना, दूसरा नागरिकता के संस्कार देना और तीसरा हाथों में कुशल देना। ज्ञान देने से मतलब है जो पीढ़ियों ने संचित किया हुआ ज्ञान है, इतिहास का हो, भूगोल का हो, विज्ञान का हो, गणित का हो, भाषाओं का हो, उसको नई पीढ़ी को स्थानांतरित कर देना, नई पीढ़ी तक पहुंचा देना। नागरिकता के संस्कार का मतलब है देशभक्त, चरित्रवान, परिश्रमी, ईमानदार, केवल अपने लिए नहीं देश और समाज के लिए दूसरों के लिए सोचने वाले योग्य नागरिकों का निर्माण। और कौशल देने का मतलब है शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी कम से कम इतना कुशल तो बन जाए कि अपना रोजगार स्वयं ढूंढ पाए। अगर एमए, एमएससी, एमकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम उच्च शिक्षा के बाद रोजगार के लिए वो भटकता रहे तो ऐसी शिक्षा का मतलब भी क्या। मतलब मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्वरोजगार के लिए, कौशल के लिए, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा तो छठवीं के बाद से शुरू करवाने का फैसला किया। केवल सरकारी नौकरी रोजगार का विकल्प नहीं है, हम सब जानते हैं सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। मध्यप्रदेश में हम उस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, अभी पुलिस की भर्तियां चालू है, शिक्षकों की भर्तियां भी होगी, उसके बाद फिर पुलिस की भर्तियां चालू होगी। अलग अलग विभागों में जितने आवश्यक पद है सब भरे जाएंगे। शासकीय स्तर पर भी हम प्रयास करेंगे, पढ़ने के बाद हम अपना रोजगार निजी क्षेत्रों में भी, स्वरोजगार के क्षेत्रों में भी स्थापित कर सके। ये भी बेटे बेटियों जरूरी है। और हमने देखा है कि अपने प्रदेश के बच्चों ने कोशिश अगर की है
तो स्वरोजगार का नया इतिहास रच दिया है। वो रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, जैसे उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत कोरोना काल में, हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मतलब अधोसंरचना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुशासन की दृष्टि से और अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए। उसमें नया बजट भी हम जो लेके आए उसमें कई स्वरोजगार की योजनाओं के लिए भी हमने प्रावधान किए हैं। इन स्वरोजगार की योजनाएं में हम स्वयं तब चला पाएंगे जब हमारे हाथों में कौशल हो, कुशलता हो, हमारी समझ विकसित हो, हम काम को ढंग से समझ पाए। कंप्यूटर चलाना जैसी चीजें, बुनियादी चीजें हमको आए, आत्मविश्वास हम में जगे। और इसलिए मुझे प्रसन्नता हुई इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में उन्नत कृषि कौशल से लेके ई कॉमर्स, एक नहीं अलग अलग स्वरोजगार के 10 विषयों में ऑनलाइन बैंकिंग सहित विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रैक्टिकल कौशल प्रशिक्षण, कंप्यूटर कौशल, उद्यमता कौशल, ये ऐसे विषय जो हमको सफल उद्यमी बनाने के लिए जरूरी है। और इसलिए मैं विभाग को बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 20 को मध्य प्रदेश में लागू करने के लिए हमने टास्क फोर्स भी बनाई है। और एक टास्क क्या, रोजगार, रोजगार और रोजगार। हम उस पर कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, स्वरोजगार के अलग अलग क्षेत्रों के बारे में विचार करो, फिर अपना कोई क्षेत्र चुनो, उसमें सफल होने के लिए रोड मैप बनाओ। रोड मैप पे चलने के लिए परिश्रम करो, लेकिन याद रखना तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं, मध्य प्रदेश की सरकार आपके साथ है। लेकिन व्यक्ति ऐसा सोचता और करता वैसा बन जाता है। आपने प्रशिक्षण लिया, आप सोचो आपको सफल स्वरोजगारी बनना है, उद्यमी बनना है, उसकी प्लानिंग करो। सरकार आपके साथ है, लोन की गारंटी हम देंगे, ब्याज पे अनुदान हम देंगे, हर संभव सहयोग हम करेंगे। मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश की धरती से सफल उद्यमी निकले, निकल भी रहे। तुम्हें सारे एक बड़ा उद्यमी बन सकता है, आप केवल 3.5 हाथ के हलवास के पुतले नहीं हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। अपनी क्षमताओं को पहचानो, जो अपने आप को जान लेता उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। धीमी थोड़ी हो तुम, फैसला करो कि ये बड़ा काम करना है, ठानोगे तो कर लोगे। और मैं चाहता हूं कि तुम करो। करने के लिए कुछ बुनियादी गुण चाहिए, उसी का प्रशिक्षण आपको दिया गया है।
स्कूली बच्चों को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं, यहां जल संपदा, यहां वन संपदा, यहां खनिज संपदा, और हमने तय किया बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप कोई उद्यम करना चाहोगे तो 30 दिन में सारे क्लियरेंस, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, 30 दिन में अपना व्यवसाय बिजनेस प्रारंभ कर सके, इसके लिए सभी आवश्यक अनुमतियां आपको विद इन 30 डेज दे दी जाएगी। तो हमारा काम केवल प्रशिक्षण देना नहीं है, प्रशिक्षण देने के बाद अगर किसी क्षेत्र में आप निजी उद्योग शुरू करना चाहे, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहे, तो उसमें भी हम साथ खड़े हैं। और इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, जो आगे बढ़ते हैं, प्रयत्न करते हैं, सफलता उनको मिलती है। और आपकी सम्मिलित शक्ति का उपयोग करेंगे तभी मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सफल हो, सफलता प्राप्त करें। और उच्च शिक्षा विभाग जो इनोवेटिव कदम के उठा रहा, उसके लिए मैं सचमुच में एक बार फिर बधाई देता हूं। अब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में होगा और उसमें इस तरह के जो व्यवहारिक कौशल प्रशिक्षण है, ये मध्य प्रदेश को और अलग बनाएंगे। मैं मंत्री जी को, अधिकारियों की टीम को, प्रशासनिक अकादमी को, सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। वो देखो पास खड़ी मंजिल इंगित कर तुम्हें बुलाती है, सांस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। आगे बढ़ो और तय की गई मंजिल प्राप्त करो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपके आभारी हैं सर, और आपके उद्बोधन से, आपके मार्गदर्शन से हमारे सभी छात्रों का काफी मनोबल बढ़ा है सर। हम सभी को नई ऊर्जा मिली है और हम सबके